लता मंगेशकर को लेकर रिसेंटली डॉक्टर भी हिम्मत हारते नजर आए हैं। 8 दिन हो गया है और अभी कह रहे हैं डॉक्टर कि 8 दिन और रहेंगी कम से कम हॉस्पिटल में लता मंगेशकर। ऑक्सीजन सपोर्ट पर लता मंगेशकर को 8 दिन में भी रिकवर ना होते देखना चिंता का कारण तो है। लता की हालत जो नाजुक हो गई थी, ऑक्सीजन सपोर्ट में उन्हें रखा गया क्योंकि वो सांस तक नहीं ले पा रही थी। 3 साल बाद फिर से निमोनिया से पीड़ित कोरोना के संक्रमण में आने के बाद लता हो गई है। स्टाफ के कोरोना संक्रमण में आने के बाद लता को कोरोना हुआ। घर में कोरोना का दस्तक देना, 92 की उम्र में लता की हालत पूरी तरह से खराब कर गई है। ये बीमारियां एक साथ जब हो गई है, ऐसे में ब्रज कैंडी हॉस्पिटल के डॉक्टर हिम्मत हारते हुए, डरते हुए, घबराते हुए क्या कह बैठे हैं, आइए जानते हैं इस वक्त बॉलीवुड अपडेट की इस स्पेशल रिपोर्ट के माध्यम से। स्वर कोकिला लता मंगेशकर के बारे में यहाँ एक बफर से हम बात करना चाहेंगे। आज हम आपको बताना चाहेंगे लता मंगेशकर की सेहत को लेकर तो अपडेट आ गई है। दूसरी बार निमोनिया से पीड़ित है लता मंगेशकर। 3 साल बाद फिर से उन्हें लता मंगेशकर की संक्रमण में आने पर काफ़ी तकलीफ हो रही है। डॉक्टर ने एक नया स्टेटमेंट दिया है। हॉस्पिटल में उन्हें रहने के लिए फ्रेंड्स से कहा है कि उनके लिए दुआएं करें कि वो जल्दी से ठीक हो, क्योंकि कोरोना वायरस के माइल्ड सिम्टम्स की वजह से उन्हें आईसीयू में एडमिट किया गया ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल में, जो मुंबई के साउथ एरिया में है। ट्रीटमेंट कर रहे डॉक्टर प्रतीत समदानी ने कहा है कि ईश्वर से दुआएं कीजिए कि वो जल्दी ठीक हो। उन्होंने कहा अभी भी उन्हें आईसीयू में ऑब्जर्वेशन पर रखा गया है। इंतज़ार करने के अलावा और समय को देखने के साथ उनके रिकवर होने के उम्मीद करने के अलावा कोई और चारा नहीं है। दुआएं कीजिए कि वो जल्दी ठीक हो, क्योंकि उन्हें अभी हॉस्पिटल में ही रखा जाएगा। कोई फैसला नहीं है डिस्चार्ज को लेकर। उन्हें डिस्चार्ज अभी करने पर कोई भी तरह का फैसला नहीं लिया जाएगा, ये कहना है फिलहाल डॉक्टर का। और तो और आपको बताना चाहेंगे, हालत उनकी अभी भी ठीक नहीं हो रही है। मेरी इन एक्ट्रेस को आने वाले 10 दिन तक हॉस्पिटल में रखा जाएगा, ये भी बुरी खबर आई है। लता मंगेशकर को लेकर, नाइटेंगल को लेकर ये बुरी खबर आई है, जिससे फैंस काफ़ी ज़्यादा निराश है। जी हाँ, ये भी आपको बताना चाहेंगे, ये सुनकर लोगों को निराश होना बनता है क्योंकि लता की उम्र 92 है, 2 बीमारियों से वो एक साथ पीड़ित है। तो आप सब ने इस स्पेशल रिपोर्ट में जाना क्या कहना है इस वक्त लता मंगेशकर को लेकर डॉक्टर का। डॉक्टर ने कहा है दुआएं कीजिए, तो जरूर आप दुआएं करें। पूरा हिंदुस्तान दुआएं कर रहा है। लता एकमात्र भारत रत्न ऐसी है जिनकी आवाज का कॉपीराइट पूरी दुनिया भर में है। लता मंगेशकर की आवाज हमें दोबारा नहीं मिल सकती, इसलिए लता की जीवन हमारे लिए सबसे बेशकीमती है। फिलहाल लेंगे इजाजत, देखते रहे नेक्स्ट 9।